भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मैं किसी समुदाय की प्रगति, महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता। राम जी, मस्करे का खेल तो बहुत देखा था, लेकिन आज खुद मस्करा बन के महसूस हुआ कि सबको हंसाने वाले मस्करे के दिल में खुशी नहीं बल्कि कितना दर्द छुपा होता है। राम जी, एक बात बताऊं, जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो उनको ये सब किस्से कहानियां सुनाया करूंगा मैं। नहीं पुरंजन, ये सब बातें मेरे बच्चों को कभी मत कहना। मेरे बच्चे बस अपनी जिंदगी बेहतर कर ले, अपने संघर्ष को झेल ले, यही इच्छा है मेरी। और फिर माँ बाप के संघर्ष को जानकर क्या कर लेंगे। चल अब किस्से कहानी छोड़ दे, घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। क्या हुआ, तुम लोग स्कूल से सीधा घर ही आए हो ना? आई वो काकी जिनके गहने चोरी हो गए थे, उनको सबने घर से ही निकाल दिया। हाँ आई, उनके पति ने भी उन्हें छोड़ दिया। हाँ आई, सब उन्हें चरित्रहीन कह रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि कोई भी उन्हें खाना पानी नहीं देगा, चाहे वो मर क्यों ना जाए। चलो आई, कहा सबसे बात करने, सबको समझाने। बैठ बैठ जा, क्या समझाएगा? हाँ क्या समझाएगा, और हमारी बात सुनेगा कौन? हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकले। और तुम लोग क्यों कहते? हम लोग घर ही आ रहे थे, वो तो भीम वहां रुक गया, वो तो उनसे बहस कर रहा था, हम उसे घर खींच कर ले आए। नेहा तू समझता क्यों नहीं है, हमें उन लोगों से दूर रहना है। तो क्या है, हम दूर खड़े रह के अन्याय होते हुए देखते? तू समझता क्यों नहीं है भीम? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ बुआ, एक औरत के साथ कोई ऐसा करता है क्या? काम करते हैं, काकी को घर ही ले आते हैं। मैं अभी तो मारूंगी तुम्हें। तुम्हें समझ भी नहीं आया तुम क्या बात कर रहे हो? देख पहली बात तो हमारी जात के वजह से वो खुद हमारे पास नहीं आएगी, और दूसरी बात अगर समाज वालों को पता चल गया कि हम उसे मदद कर रहे हैं तो हम सब लोगों को मार डालेंगे। तू यहाँ इतने दिनों से रह रहा है, फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के लोग कैसे हैं? और उस औरत को भी तो समझना चाहिए ना, ऐसी हरकतें ही ना करे कि लोग उसे घर से निकाल दें। बुआ, मर्द चाहे जो करे लेकिन औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है, और औरत कुछ ना करे फिर भी लोगों को उसकी हरकतें दिखती है। बच्चों की कसम खा के भी कसम असम खाना ठीक है, लेकिन औरत जब जानती है कि समाज कैसा है तो उसे समाज के और परिवार के मुताबिक ही रहना चाहिए, नहीं तो रह जाए भटकती हुई। अगर किसी औरत को घर से निकाल दे या उसका पति उसे छोड़ दे तो वो जीवन भर का श्राप हो जाता है। सुन, भटकती हुई जिंदगी कष्टदायक होती है गंगा, चली जा अपने ससुराल, वरना वो लोग तेरे बच्चों को रख लेंगे और तुझे छोड़ देंगे।
एक औरत बिना पति के बिना बच्चों के कैसे जिएगी? लेकिन आई मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं होगी तुम्हारी कोई गलती। भीमा जिस औरत की बात कर रहा है उसकी भी कोई गलती नहीं है। अगर तेरे ससुराल वाले तेरे साथ वही करते हैं जो उस औरत के, तेरी बात मान कर चली जा अपने। आई मैं नहीं जाऊंगी अपने ससुराल। गंगा बेटी जब दो चार दिन मैके में दिखे ना तो उसे देखकर खुशी होती है, लेकिन उससे ज्यादा वो मैके में नजर आए तो मैके वालों को तकलीफ होती है। समझ ले गंगा। अच्छा तो मैं आप पे बोझ बन गई हूँ ना आई? गंगा दीदी कोई बोझ होती है क्या? आई दीदी बोझ क्यों बन रही है? अरे तुझे पता है ना तेरी गंगा दीदी कैसे बचपन से आई से लड़ती है। अरे हाँ भीम, वो बाजार में ना मुझे एक साड़ी अच्छी लगी थी तो मैंने आई से कहा कि मुझे खरीद दो। हाँ। तो आई बोली कि वैसे ही पैसे की इतनी कमी है, ऊपर से तेरी साड़ी का बोझ, तो इसीलिए मैं आई से बोल रही थी कि मैं आप पे बोझ हो गई हूँ ना। नहीं दीदी मैंने थोड़ी ना बोझ होती है। बेकार की बातें क्यों सोचती हो आप दीदी? आई मैं बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ भाभी चल खाना देते हैं सबको, आजा चल। हाँ। आजा भी आजा। सेठ जी एक बिच्छा दिखाइए ना। हाँ। अरे ध्रुव आ गया स्कूल से। अरे अरे ये क्या कर रहा है? ध्रुव ध्रुव रुक जा बेटा, गुस्सा मत कर। अरे रुक जा क्या चाहता है, दुकान बंद कर दू। सेठ जी बिच्छा दिखाइए ना। देख नहीं रहे मेरा बेटा रो रहा है? तुम्हें बिच्छिया की पड़ी है, बाद में आइएगा। मैं यही इंतजार कर लेता हूँ। तो करिए फिर। ध्रुव बेटा इधर आ, क्या हुआ? बैठ मेरे पास इधर। शाबाश। ये रोना धोना बंद कर, अब बता क्या हुआ? वो गुरुजी कक्षा में बस भीम की तारीफ करते हैं, हम लोगों को तो विद्यार्थी कोई समझता ही नहीं है। अंग्रेजी सरकार ने प्रतियोगिता की व्यवस्था की है और आपको तो पता ही है कि भीमराव पढ़ने में कितना होशियार है, कितना तेज है, वो जरूर इस प्रतियोगिता में अव्वल आ जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भीमराव इस प्रतियोगिता में अव्वल आए। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं करूँ क्या। अरे रुक, अरे रुक, रुक। समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए रो रहा है। हंसूंगा तो समझ में आ जाएगा क्या? अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो बताइए, वरना मुझे रोने दीजिए। अरे रुक रुक, एक तो ये रोना धोना बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। तू यही चाहता है ना कि भीम परीक्षा में अव्वल ना आए, तो वो नहीं आएगा। कल उसे धक्का दे देना ऊंचाई से, उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। जब उसके हाथ पैर ही टूट जाएंगे तो वो परीक्षा में नहीं बैठेगा, और जब वो परीक्षा ही नहीं देगा तो अव्वल कैसे आएगा, समझा? हाँ ये सही है, मैं कल यही करूंगा। हाँ। अब आप दुकान चलाइए बाबा। जाओ नाश्ता पानी कर लेना। अब तो पीछे दिखाइए सेठ जी। हाँ हाँ। वैसे सेठ जी अपने गजब की शिक्षा दी है अपने बेटे को। आपका बेटा उससे प्रथम ना आए तो ठीक है, किसी और का बेटा प्रथम आए तो दिक्कत है। दिक्कत तो मुझे आपसे हो रही है। उठिए निकलिए यहाँ से, वही पिछले से नहीं मिलेगी, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और फिर उस औरत को उसके समाज वालों ने निकाल दिया। ये देख के भीवा जब से आया है तब से परेशान है, बहुत दुखी है। आप जरा समझा दीजिए, थोड़ा शांत हो जाएगा। रहने दो उसे दुखी। क्या? किसी के दुख में दुखी होना अच्छे इंसान के लिए जरूरी है।
तुमने कहानी सुनी? बुद्ध भी दूसरों का दुख देखकर इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और फिर मनुष्य को परिस्थिति के हिसाब से उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां मन में अंतर्द्वंद पैदा करती है और अंतर्द्वंद से बाहर निकलकर मनुष्य हर बार कुछ ना कुछ सीखता जरूर है। इसलिए उसे ना मैं कुछ कहूंगा ना तुम कुछ कहना। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, सुबह काम पे ही जाना है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें भी सुलाओ। अरे ये क्या है, रंग? ये रंग कैसा? वो काम करते समय लग गया होगा। कौन सा काम करते हैं आप? तेरा दुकड़ा सुनने के लिए कितने लोग जमा है, कुछ हो ना हो बांधा तूने अच्छा समा है। वो सामान को जगह जगह भेजना पड़ता है ना, निर्यात का व्यवसाय है। तो उसमें रंग कैसे लगा? वो सामान का डिब्बा जाता है ना, तो उस पर लिखवाना पड़ता है कि वो डिब्बा कहाँ जाएगा। बस वही लिखवा रहा था। आप? हाँ, वो लिखने वाला गधा था, उससे कुछ हो नहीं पा रहा था तो मुझे लिखना पड़ा। बस उसी में रंग लग गया होगा, बाकी कुछ नहीं। बच्चों को बुलाओ, सुबह उन्हें स्कूल जाना है ना। आई लग रही है, रहती रकम बल दे। अरे अरे बाला भैया, पहले से एक कंबल उड़ो। अरे मेरा कंबल दो ना। ठंडी लग रही है। अरे नहीं, दो मेरा कंबल, दो ना। चल तू सो जा, सो जा, दो ना। जाने दे, छोड़। सो जाओ सब लोग, भूले ही जा रहे, मुंह बंद ही नहीं हो रहा। सो जा, सो जा। गांव वालों, आज के बाद इस औरत के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा, यहां तक केस को पानी तक नहीं देगा, चाहे ये मर ही क्यों ना जाए। उस काकी को भी ठंड लग रही होगी ना। देख, पहली बात तो हमारी जात के वजह से वो खुद हमारे पास नहीं आएगी, और दूसरी बात, अगर समाज वालों को पता चल गया कि हम उसे मदद कर रहे हैं तो हम सब लोगों को मार डालेंगे। भीम, जिसकी कोई मदद ना करे उसके लिए हमेशा खड़े रहना, कमजोरों के लिए खड़े रहना, वंचितों के लिए खड़े रहना। जब तुम उनके लिए कुछ करोगे तो सब लोग तुम्हें दुआएं देंगे। कौन है ये बच्चा? अरे ये रामजी सखपाल का बेटा है। नहीं चाहिए,
मुझे तुम्हारे हाथ से छुआ हुआ कंबल रख लीजिए, आपको ठंड लग रही होगी ना। मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे हाथ से छुआ हुआ कंबल नहीं ओढ़ूंगी। मर जाऊंगी तो मुक्ति मिल जाएगी। ये लोग तो ससुराल वालों ने खराब कर दिया, तुम क्या परलोक खराब करना चाहते हो? देखा नहीं ये समाज कितना ताकतवर है? समाज के नियमों का तो पालन करना जरूरी है। तुम जाओ यहाँ से, और आज के बाद ना मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। मैं इसे यहीं रख दे रहा हूँ। अगर आप समाज के डर से इसे नहीं उड़ रहे तो यहाँ को कोई भी नहीं दिख रहा है। आप इसे उड़ लीजिएगा और सुबह कहीं पे छुपा के रख दीजिएगा। और अगर आप मेरे छूने की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैं इसे सुबह ले जाऊंगा। तुम किसी को बताओगे नहीं ना? नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और अगर किसी ने मुझे पूछा तो मैं क्या बोलूंगी? कुछ मत कहिएगा, और सब लोग सोचते रहेंगे कि किसने दिया कंबल। भीमराव, मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। इतने बड़े आदमी बनोगे कि लोग तुम्हें पूंजेंगे, और जब भी कोई मुझ जैसा वंचित ऐसे ठंड में कांप रहा होगा तब उनका एक ही सहारा होगा, भीमराव। गंगा दीदी, आप कहाँ जा रही हो इतनी रात को झोला लेके? सुबह 3 बजे की रेलगाड़ी से अपने ससुराल जा रही हूँ। वो इतनी रात हो गई थी तो इसलिए किसी को जगाया नहीं। जाने दे मुझे। गंगा दीदी, अब आप ऐसा करोगे जो गंगा दीदी जाने के 3 दिन पहले से हम सब भाई बहनों का मनपसंद खाना बना के खिलाती थी, हमारा इतना ख्याल रखती थी, वो बिना बताए जा रही हैं। बताओ गंगा दीदी, क्या बात है? कहा ना भीम, मैंने तुझसे कोई बात नहीं है। गंगा दीदी बैठो। बताओ ना गंगा दीदी, क्या बात है? रोमन, गंगा दीदी बताओ। भीम, तुम्हारे जीजाजी किसी पर बोझ नहीं। उठो गंगा दीदी, घर चलो। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जल देखी करी भया कबीर उदास। इतनी बड़ी बात हो गई ना भीमा भाई, तुमने कुछ बताया ना गंगा भाई तुमने?
अगर तुम लोग ऐसी बातें छुपाते रहोगे तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? दुनिया की सारी मुश्किलों से उबरने का हुनर बच्चों में आए, उसकी माँ में आए, ये जरूरी तो नहीं। कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें पिता की भूमिका खास होती है। शायद वो कोई राह निकाल ले। मैं बात करता हूं दामाद जी से। कोई फायदा नहीं है बाबा, किसी की नहीं सुनेंगे वो। इतने भी बुरे आदमी नहीं है वो, पहले फौज में थे, अंग्रेजों ने जात के कारण उन्हें निकाल दिया, फिर डाकयार्ड में अच्छी खासी नौकरी लग गई, लेकिन वो भी चली गई। उनकी मानसिक स्थिति में महसूस कर सकता हूं, समझ सकता हूं। आमदनी खत्म हो गई लेकिन खर्चे तो वैसे की वैसे ही है ना, इसलिए थोड़े से परेशान होंगे। कई बार परेशानियों में इंसान का व्यवहार बदल जाता है, बुरी संगत में पड़ जाता है, पीने पीने लगता है, चिढ़कर झगड़ा करने लगता है, लेकिन बेटा उनको समझाएंगे ना तो जरूर समझ जाएंगे। आप गंगा को ससुराल पहुंचा दीजिए, मेरी बात सुनिए, हम ध्यान रखेंगे ना, बीच बीच में आप भी उसके ससुराल जाके खबर लेते रहिएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी स्थिति। मेरी बात सुनिए, उसे पहुंचा दीजिए ससुराल। भाभी सही कह रही है भैया, गंगा को ससुराल भिजवा दीजिए, ज्यादा दिन ससुराल से दूर रहेगी तो दोनों के बीच मन मुटाव बढ़ता जाएगा। नहीं, मेरी दीदी ऐसे वहां नहीं जाएगी जब तक जीजाजी खुद नहीं ले जाएंगे। मेरी दीदी को उनके घर वाले निकाल देंगे और वो रात में ठंड से टिटूरते रहेंगे, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। आई दीदी भोज नहीं है, वो यहीं रहेंगी चाहे जितने दिन रहे। मैं इनका भाई हूँ और मेरे होते हुए मेरी दीदी उनकी आंखें की तरह नहीं बन सकती।